सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अवतार। हेलो एवरीवन, आज फिर आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा जो मुझे किसी ने बताई थी और मुझे बड़ी अच्छी लगी। सो आई थॉट मैं इसे ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। स्टोरी ऐसी है कि एक किसान अपने कंधे पर बकरी को रखकर लेकर जा रहा था और रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने कहा किसान से, अरे भाई तुम कुत्ते को कंधे पर रखकर कहाँ लेकर जा रहे हो? तो किसान ने कहा, अरे भाई अच्छी तरह देखो, ये कुत्ता नहीं ये बकरी है और मैं बकरी को लेकर जा रहा हूँ। और किसान को लगा कि ये बंदा मूर्ख है कि कुत्ते को ये बकरी बोल रहा है और मेरा समय बर्बाद कर रहा है। तो किसान अपने रास्ते पर चल पड़ा। चलते चलते जब वो आगे गया तो आगे दो व्यक्ति खड़े थे और दो व्यक्तियों ने किसान से कहा, अरे भाई ये तुम कुत्ते को कंधे पर रखकर कहाँ लेकर जा रहे हो? तो किसान ने कहा, भाई ये कुत्ता नहीं ये बकरी है और मैं दूसरे गांव से कर जा रहा हूँ। तो इस पर उन दो व्यक्तियों ने कहा कि नहीं, ये तो हमें कुत्ता लग रहा है। अब ये सुनते ही किसान को पसीने आने लग गए कि पहले भी व्यक्ति मिला मुझे, वो भी कह रहा था कुत्ता है, अब ये दो व्यक्ति मिले, ये भी कह रहा है कि मेरे कंधे पर कुत्ता है। तो किसान थोड़ा सा आश्चर्य में आ गया और वो वहाँ से निकल पड़ा। और चलते चलते थोड़ा सा जब किसान दूर निकल गया तो उसने देखा कि आगे रास्ते पर फिर से तीन व्यक्ति खड़े हैं। और जब वो उनके पास गया तो उन तीन व्यक्तियों ने कहा कि अरे भाई ये कुत्ते को कंधे पर रखकर कहाँ लेकर जा रहे हो यार? अब किसान का दिमाग चकरा गया। वो सोचने लगा कि मुझे पहला व्यक्ति मिला, वो कह रहा था मेरे कंधे पर बकरी नहीं कुत्ता है, और आगे जाकर दो व्यक्ति मिले, वो भी ये कहने लगे कि बकरी नहीं कुत्ता है, अब ये तीन व्यक्ति मिले, ये भी कह रहे हैं कि बकरी नहीं कुत्ता है। अब तो किसान ने क्या किया कि बकरी को अपने कंधे से निकाला, उन तीनों व्यक्ति को दे दिया, बोला तुम रखो ये कुत्ता मुझे नहीं चाहिए, और वहाँ से निकल गया। और कहानी का ट्विस्ट ये है कि उस किसान को जो भी व्यक्ति मिले वो असल में ठग थे। ठग की मंडली ने प्लान बनाया कि आज किसी को लूटेंगे। तो एक ठग पहले रास्ते पे खड़ा हुआ, दूसरा ठग थोड़ा आगे जाके खड़ा हुआ, और जो बाकी के तीन ठग थे वो आगे जाके खड़े हुए और उन्होंने किसान को इतने चक्कर में डाला कि किसान ने अपनी बकरी को कुत्ता समझकर छोड़कर आगे चले गए। ऐसा ही कुछ हमारी ज़िंदगी में भी है। हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते और दूसरों की बातों में आ जाते हैं, और दूसरों की बातों में आने के बाद हम हमारी अच्छी भली ज़िंदगी जो चल रही है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। हम उन लोगों से सलाह लेने जाते हैं जिन लोगों को उस विषय के बारे में पता नहीं होता, और वो चीज़ बताते हैं जो उन्होंने की नहीं है, और फिर सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। सो फाइनली किसी भी इंसान की बातों में आकर कोई भी डिसीजन तुरंत लेना नहीं चाहिए। आपको अपना बुद्धिमत्ता यूज़ करनी चाहिए और फिर उसके बाद निर्णय लेना चाहिए। थैंक यू।